प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी पत्नी के साथ अपनी बहन नीरू कंवर से राखी बंधवाई और आशीर्वाद लिया है। बहन ने अपने भाई खाचरियावास और भाभी नीरज को तिलक लगाकर आरती उतारी और उसके बाद राखी बांधकर मिठाई खिलाई। खाचरियावास ने कहा कि ये पर्व समाज के लिए एक संदेश है कि बहन की रक्षा करना भाई का धर्म है। भाई बहन के पवित्र रिश्ते के त्योहार रक्षाबंधन को सभी मिलजुल कर सुरक्षाबंधन त्योहार का रूप दें। समाज में ऐसा माहौल बने जिससे महिलाएं और बेटियां अपने आप को पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करें। बहन नीरू कंवर ने कहा कि इस दिन बहन अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उनके दीर्घायु होने की कामना करती है। इस पर्व में भाई अपनी बहन को रक्षा करने का वचन देता है। राखी आती है, राखी एक त्योहार है, लेकिन आदमी को याद दिलाती है अपने धर्म और संस्कृति की। भाई और बहन के बीच में अंडरस्टैंडिंग, प्यार और प्रेम स्पेशल है, और मेरा ये मानना है कि ये ऐसा रिश्ता है भाई और बहन का जो बड़ा स्पेशल है, और हमारे रिश्तों के दम पर ही भारत एक अलग पहचान रखता है। हमारा प्यार और प्रेम बना रहना चाहिए, और मेरा ये मानना है कि ये रिश्ता ऐसा है कि जिसमें आँख की शर्म और मर्यादा हमेशा रहती है, और ये हमारे रिश्तों को मजबूत करती है। मैं रक्षाबंधन की सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूँ। राखी एक ऐसा त्योहार है जिसमें भाई बहन का प्यार है। भाई वैसे तो भाई के लिए हर समय ही प्यार का होता है, लेकिन राखी एक बहुत बड़ा ऐसा है कि मतलब भाई की रक्षा, भाई हमारी रक्षा करता है, हर बात में सहयोग करता है, और एक बना दिया है कि राखी का त्योहार की भाई की इस बहाने बहने अपने भाई के राखी बांधने जाती है और पुराना प्यार वापस याद आता है। भाई बहन का जो रक्षाबंधन का पर्व है बहुत ही अच्छा पर्व है, और भाई अपनी बहन के बाद में आते हैं और राखी बंधवाते हैं, और ये त्योहार ऐसा है कि भूला नहीं जा सकता। बाकी सब अच्छा ही है।